हरियाणा में बीजेपी की सरकार संकट में है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि नायाब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई। सैनी सरकार पर ये संकट मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों के एक साथ अपना समर्थन वापस लेने के बाद आया। अब इन तीनों विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। 3 विधायकों के समर्थन के बाद विपक्ष एक्शन मोड में आ गया है। बुधवार को ही कभी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रही जेजेपी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इससे पहले जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वो बीजेपी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। चौटाला ये भी कह चुके हैं कि जेजेपी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। वहीं हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट है। उनका दावा है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो कुछ विधायकों के साथ संपर्क में होने का दावा भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि सैनी इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? दरअसल हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। मौजूदा समय में 88 विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर और रंजीत सिंह के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली है। दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में अभी बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का 1-1 और 6 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत के लिए 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी का दावा है कि उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है। इनमें 44 विधायक तो बीजेपी के ही हैं। 2 निर्दलीय हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा और जेजेपी के 4 विधायकों के समर्थन का दावा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और राम निवास सुरजाखेड़ा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इन दोनों के अलावा जेजेपी के 2 और विधायक देवेंद्र बबली और रामकरण काला भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए देवेंद्र बबली ने तो 11 मई को अपने समर्थकों की बैठक भी बुलाई है। अगर यही गणित देखें तो विपक्ष के पास 41 विधायक होते हैं, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 6, इंडियन नेशनल लोकदल का 1 और 4 निर्दलीय। हरियाणा विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से 3 सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदर खुलकर कांग्रेस के साथ आ गए। बाकी बच्चे 3 में से 1 नयनपाल रावत ने कहा है कि 2019 में उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था और वो अब भी पार्टी के साथ हैं। बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद भी बीजेपी के साथ हैं। वहीं मेहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। कांग्रेस ने स्थिति साफ करने और गवर्नर को समर्थन का पत्र लिखने की बात कही है। खैर, हरियाणा में अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।